नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमन पांडे चर्चा करूंगी उस इंसान के बारे में जिनका कि लोगों के ऊपर क्रेज रहा है, जिनके ऊपर कई आरोप लगे हैं, आरोपों पे आरोप कि वो नामी है, मशहूर है जगह का नाम परिवर्तन करने के लिए। वो जैसे उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, तो ऐसे वैसे कई ऐसे जगह के नाम है जिनको कि बोला जाता है कि वो नाम का परिवर्तन करते हैं। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन वो डंके की चोट पे कहते हैं कि वो एक सन्यासी हैं। अगर एक हाथ में ज्ञान का भंडार लेकर चलते हैं तो दूसरे हाथ में भाला और हथियार लेकर चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। मैं आज बात करूंगी योगी आदित्यनाथ जी की। जैसे कि अभी तक लोगों में बहुत घमंड था मुंबई के बॉलीवुड इंडस्ट्री वालों का, बॉलीवुड बदनाम किया जा रहा है, बॉलीवुड दागदार किया जा रहा है। तो वो दागदार बदनाम बॉलीवुड आप लोगों को मुबारक हो, आप अपने पास रखो उस बॉलीवुड को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जानकर खुशी होगी, बता दूं हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बहुत दिनों तक इस चीज़ में लगे हुए थे और आज फाइनली उन्होंने ऐलान किया है कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा और एक अच्छा फिल्म सिटी का निर्माण होगा उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक हिंदी भाषा का उद्गम है। उत्तर प्रदेश संस्कार संस्कृति के लिए भी माना जाता है। उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जिसमें कि नो डाउट कला आकृति और लोगों की टैलेंट की कमी नहीं है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि वहाँ पे नेपो किट्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ड्रग्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल पाक पवित्र साफ सुथरा बॉलीवुड का निर्माण होगा और यहाँ पर कलाकारों का खुलकर स्वागत किया जाएगा, चाहे वो कलाकार बिहार से हो, चाहे वो कलाकार यूपी से हो, चाहे वो कलाकार उस जगह से हो जहाँ पे उनके अस्तित्व को दिखाने के लिए उनके अपने पूर्वजों का नाम और उनका पूर्वजों का सहारा का जरूरत ना पड़े। कलाकार उस कलाकार का स्वागत होगा जिसके अंदर कला होगी, उस कलाकार का स्वागत होगा जिसके अंदर टैलेंट होगा, उस कलाकार का स्वागत होगा जिसके अंदर क्षमता होगी, कुशलता होगी, जिसको कि हम भारत की जनता चुनेंगे। बिल्कुल, तो जो टिकटॉकर्स थे अभी तक, जो टिकटॉक बैंड होने पर बहुत दुखी थे, उनके लिए भी एक बहुत खुशी की बात है। इतना ही नहीं, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है और बहुत लोग हैं जिनके अंदर एक अलग अलग टैलेंट है लेकिन उन्हें आज तक कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उनके लिए भी एक खुशी की बात है। तो कहीं ना कहीं इसका असर अनएम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा, क्योंकि यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स कि एक फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें जाकर एक्टिंग करनी है। कैमरा मैन हो गए, फोटोग्राफर हो गए, इवन जो एडिटर्स हो गए, जो कि राइटर हो गए, फिल्म डायरेक्टर्स हो गए, कोई प्रोड्यूसर होंगे, कोई सिंगर्स होंगे, कोई डांसर्स होंगे, बहुत लोगों को इसमें मौका मिलेगा जो क्रिएटिव करेंगे कुछ अपना। बहुत ऐसे फील्ड हैं जो कि मे बी मुझे और आपको नहीं पता हो, लेकिन जो इसमें जो जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से जानकारी होगी, या जो मुझे सुन पा रहे हैं जो इस डिपार्टमेंट में है, या फिर जिनको इस तरीके की कोई जानकारी है, उनके अंदर कोई ऐसी कला है, वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि योगी आदित्यनाथ जी का ये बड़ा फैसला, ये ऐलान कितने लोगों को रोजगार दे सकता है। तो थैंक यू सो मच योगी आदित्यनाथ जी, कि आपने इतना बड़ा मौका दिया और इतनी बड़ी एक खुशी का, एक मैं कहूँगी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। तो दोस्तों मैं बात करूंगी, ये तो हमारी मुजफ्फरपुर, ये तो हमारी यूपी की बात हुई, अब मैं बात करूंगी थोड़ी बिहार में आकर। तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सलमान खान संग 8 लोगों के नाम पर हुआ है समन जारी और 8 लोगों के नाम हुई है केस दर्ज और उनको बुलाने के लिए, पेश होने के लिए जो डेट दी गई है वो 7 अक्टूबर तक का डेट दिया गया है। 7 अक्टूबर तक ये लोग अपना पक्ष रख सकते हैं। तो इनका पेश होना, बिहार आना कोर्ट में, अपने आप का फिजिकल अपीयरेंस, दैट इज़ नॉट श्योर कि फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि ये लोग हैं ए स्टार, यू नो, ए प्लस, ए मैं कहूँगी ए सीरीज के एक्टर्स कहते हैं अपने आप को, टॉप के एक्टर्स, टॉप के स्टार्स, जो स्टार्स का मतलब टिमटिमाने वाले तारे बदल गए, लेकिन ये उनके स्टार्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये बॉलीवुड के जो एक्टर और एक्ट्रेस से जाने जाते हैं। तो ये स्टार्स जिनको कि आजकल दिन में तारे दिखने लग गए हैं, इनको
आज सलमान खान के साथ 8 लोगों को पेश होने का 8 लोगों के नाम नोटिस जारी की गई है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। क्योंकि अब इतना ही नहीं, आपको बता दूं दिल्ली से जो सुशांत भाई का विसरा जारी होने वाला है उसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमें विसरा मिलेगा सुशांत भाई का, इससे ये क्लियर हो जाएगी उन लोगों को, नॉट फॉर अस बट उन लोगों को जिनको कि आज भी लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या हुआ है। उस विसरा में एक एक चीज खुल के सामने आ जाएगा कि ये हत्या है, आत्महत्या है, उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने क्या क्या किया था, एग्जैक्ट डेट क्या था, A to Z। तो लोगों, हमारे अंधों बहरों जिनको अभी तक ये लगता है, जिन्होंने आंख पे पट्टी बांध कर के रखी है, कान पे रुई ठूस के रखा है, जिनको ये लगता है कि अभी तक जो हो रहा है चलने दो, हम चुप बैठेंगे और आप बोलते रहोगे, भौंकते रहोगे और हम कुछ नहीं कहेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि अब पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है और आपके ऊपर है इस भारत की तीन बड़ी बड़ी एजेंसी CBI, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट NCB और ED, ये तीन डिपार्टमेंट से बचकर जाना आप लोगों का नामुमकिन है। तो दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं, तो इसलिए आप एक बार फिर से बोलूंगी, उम्मीद को बुझने ना दें। बहुत जल्दी उम्मीद हमारे, जिस पे हम 3 महीने से मुहिम चला रहे हैं, बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि होपलेस हो रहे हैं, तो प्लीज़ मैं फिर से बोलूंगी, आप अपनी आशा की किरण को बुझने ना दें, क्योंकि हर तरफ से कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है, चीज़ें सामने धीरे धीरे आ रही है, दिशा सालियान का भी जो गुत्थी थी वो सुलझ कर आ रही है, तो चीज़ें अभी फैली हुई हैं, बस कड़ी जुड़ने की देर है, कड़ी टुकड़े टुकड़े में हमारे पास आ चुकी है, वो बस जुड़ने की देर है, जैसे वो कड़ी जुड़ेगी, ये जो सफ़ेद पोशाक में बैठे हुए पवित्र कहने वाले लोग हैं, अपने आप को जो स्टार कहते हैं, वो दिन दूर नहीं कि सारे जेल के अंदर होंगे, कटघरे में होंगे, तो बहुत जल्दी इंसाफ मिलेगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहें और इंसाफ की मुहिम में मेरे साथ तब तक लड़ें जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। जय हिंद।